अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां एक महिला टीआई का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक महिला को लठ से पीटते नजर आ रही हैं। टीआई की देखा देखी एक महिला पुलिसकर्मी ने भी मौके पर महिला को लठ मार दिया। मामले में टीआई का कहना है कि महिला विवाद कर रही थी, उसे समझा बुझा कर थाने लाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उसने पुलिस पर भी अटैक किया। दरअसल घटना तिलक नगर थाना क्षेत्र स्थित आईडीए मल्टी की है। वायरल वीडियो में महिला की पिटाई करती जो पुलिसकर्मी नजर आ रही है, वे तिलक नगर थाने की टीआई मंजू यादव है। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। एक शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां आरोपी महिला और उसकी मां ने पुलिस के साथ विवाद किया और इस दौरान तिलक नगर टीआई ने हल्का बल प्रयोग किया। वीडियो में टीआई के अलावा थाने की एक अन्य महिला पुलिसकर्मी भी महिला को लठ मारते हुए नजर आ रही हैं। बाद में महिला को पुलिस थाने ले आई और कार्यवाही की। तिलक नगर पुलिस के अनुसार थाने पर एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें फरियादी रुबीना मंसूरी निवासी आईडीए मल्टी थी। उसने आरोपी राजा उर्फ राजेश हिवराड़े के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। राजा ने मामूली विवाद में रुबीना के सिर पर लठ से हमला कर उसे घायल कर दिया था। घटना को लेकर अगले दिन राजा की पत्नी रानी उम्र 35 साल और बेटी बेनू उर्फ भारती उम्र 27 साल सभी निवासी भूरी टेकरी आईडीए मल्टी पहुंची और रुबीना से विवाद करने लगी, जिसके बाद रुबीना के स्वयं थाने आकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जब रुबीना वापस गई तो आईडीए मल्टी में रानी विवाद करने लगी और उसके साथ मारपीट करने लगी। इसके बाद पुलिस को खबर लगी तो पुलिस की टीम आईडीए मल्टी पहुंची और पुलिस के सामने भी रानी और भारती विवाद करती रही और पुलिस को भी गाली दी। भारती का छोटा बच्चा है, उसे गोद में लेकर भारती ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों से कहा कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, झूठे केस दर्ज कर दिए, अपना और बच्चे का गला काट लूंगी। भारती का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो ये सब कहते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही पुलिस वालों के ऊपर भी जोर जोर से चिल्ला रही हैं। केस दर्ज है। वहीं रानी और भारती के खिलाफ तिलक नगर थाने के साथ ही कनाड़िया थाने में भी अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज है। भारती पर 341, 327 आदि धाराओं में केस दर्ज हुआ है। भारती और रानी का आईडीए मल्टी में खौफ है। राजेश पुताई का काम करता है। आरोपी रानी और भारती ने पुलिस के साथ भी विवाद करने का प्रयास किया। पुलिस समझा बुझा कर थाने लाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये उत्तेजित होकर लोगों को मारने के लिए दौड़ी। साथ ही पुलिस के ऊपर भी अटैक करने का प्रयास किया। इसके बाद आरोपी महिला को थाने लेकर आए और कार्यवाही की। रानी और भारती के खिलाफ पहले से केस दर्ज हैं। राजा है, इसकी पत्नी रानी है और उसकी बेटी बेनू भारती है। ये लोग कई पुरानी बातों को लेके, जबकि ये रहते वहाँ भूरी टेकरी पर रहे, लेकिन आइडिया मल्टी में आकर और सुबह उससे रुबीना से, जो कि फरियादिया, उससे विवाद कर रहे थे। विवाद करते तो रुबीना ने उस दिन भी आकर सुबह इसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट जब रुबीना दर्ज कराकर और गई, तब ये आईडिया मल्टी में उसके साथ काफ़ी विवाद करने लगी और उसके साथ पुनः मारपीट करने लगी। और इसके बाद पुलिस को खबर लगी तो पुलिस वहाँ पहुँची थी। पुलिस के सामने भी उसने पुलिस को भी गाली बकी एवं अपने बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है बेनूर भारती, वो बच्चे का गला काटने को बोली कि डरा रही थी कि गला काट दूंगी, मैं अपना गला काट लूंगी, एवं काफ़ी वाद विवाद किया। वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोगों को काफ़ी गाली गलौज कर रहे हैं, सभी लोग हमारी गलत रिपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को लेके इन दोनों, बेनू और रानी के खिलाफ पूर्व में भी अपराध दर्ज हैं थानों पर, कनाड़िया में एवं तिलक नगर में, पहले मारपीट के और 327 के अलग अलग धाराओं के अपराध दर्ज हैं। और उस दिन वहाँ पर इन्होंने काफ़ी विवाद किया, पुलिस के साथ भी विवाद करने का प्रयास किया और बच्चे को इसने गला काटने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस इसे समझा बुझा कर लाने का प्रयास कर रही थी कि आप थाने चलें, जो भी बात है चल के बताएं, लेकिन ये किसी के भी उसमें नहीं आ रही थी। और काफ़ी क्या कहते हैं कि उत्तेजित होकर और कई लोगों को, अन्य लोगों को मारने दौड़ना या मारने का प्रयास करना, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने का प्रयास करना, इसके बाद पुलिस थाने लेकर आई और उनके खिलाफ कार्रवाई की। मारूंगी, मारूंगी, मारूंगी।